आप सभी को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को पत्राचार के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्र का प्रत्येक मानव के जीवन से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होता है। पत्र आरंभ से ही व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में पत्र व्यवहार तो करता ही है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र प्राप्ति की व्यग्रता पर ना जाने कितनी कविताएं, लेख, कहानियां लिखे जा चुके हैं। पत्र दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने, उसके हाल जानने तथा अपने मन की बात उस तक पहुंचाने का सबसे कलात्मक माध्यम है। पत्र के माध्यम से वह अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। पत्र प्राप्ति पर उत्सुकता तथा हर्ष की अद्भुत अनुभूति होती है। व्यक्तिगत संबंधों को प्रांगण बनाने में पत्रों का विशेष स्थान होता है, किंतु पत्र व्यक्तिगत संपर्क के अतिरिक्त सरकारी तथा व्यवसायिक कार्य की पूर्ति हेतु भी लिखे जाते हैं। टेलीफोन ने पत्र लेखन में थोड़ा व्यवधान उपस्थित किया था, किंतु अब इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के रूप में पत्र पुनः अति प्रचलित तथा लोकप्रिय हो गए हैं। अनेक बार दूरभाष पर बातचीत हो जाने के पश्चात भी किसी तथ्य के आधिकारिक पुष्टि के लिए पत्र लिखना आवश्यक होता है, जैसे छुट्टी या नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना। प्रत्येक पत्र किसी न किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष संबोधित होता है, अतः पत्र का संबोधन पत्र लेखक तथा पत्र प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित होता है। तो ये था आप लोगों के लिए थोड़ा सा पत्राचार के बारे में जानकारी। अब मैं आगे आपको पत्र के प्रकार के बारे में बताऊंगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र प्राय तीन प्रकार के होते हैं। पहला निजी तथा पारिवारिक पत्र, दूसरा सरकारी पत्र, तीसरा व्यवसायिक पत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा निजी तथा पारिवारिक पत्र क्या होता है। जो पत्र व्यक्तियों द्वारा परस्पर व्यक्तिगत तथा निजी मामलों के संबंध में लिखे जाते हैं, वे निजी पत्र कहलाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। जो पत्र व्यक्तियों द्वारा परस्पर व्यक्तिगत तथा निजी मामलों के संबंध में लिखे जाते हैं, वे निजी पत्र कहलाते हैं। प्राय पारिवारिक सदस्यों तथा मित्रों को निजी पत्र लिखे जाते हैं। निजी पत्र घनिष्ठता के आधार पर लिखे जाते हैं, इसलिए अनौपचारिक होते हैं। निजी पत्रों की जो भाषा शैली होती है, उसमें अपनेपन की भावना होती है। क्यों? क्योंकि वह भावनाओं से जुड़ी होती है। व्यक्तिगत पत्रों में विषय सीमित नहीं होता, लेखक जितना चाहता है उतना लिख सकता है। व्यक्तिगत पत्र अनेक विषयों पर बातचीत की शैली में भी लिखे जाते हैं, जिससे पत्र प्राप्तकर्ता अर्थात पत्र पाने वाला, पत्र लेखक यानी पत्र को लिखने वाला। तो यहाँ पे पत्र प्राप्तकर्ता पत्र लेखक को अति निकट अनुभव करता है, यानी अपने पास अनुभव करता है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत पत्रों की शैली वर्णात्मक तथा भावात्मक होती है, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ी होती है। एक अच्छा व्यक्तिगत पत्र प्राप्तकर्ता को प्रभावित करने की सामर्थ्य रखता है। व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन तथा अभिवादन यथा योग्य होता है। व्यक्तिगत पत्र गुरु, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी अथवा किसी अन्य संबंधी तथा मित्र को लिखे जाते हैं। तो ये था आप लोगों के समक्ष निजी तथा व्यक्तिगत पत्र की जानकारी। आगे दूसरा क्या है? दूसरा है सरकारी पत्र। दूसरा क्या है? सरकारी पत्र।
तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा सरकारी पत्र के बारे में। सरकारी पत्र अथवा शासकीय पत्र से तात्पर्य उन पत्रों से होता है जो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी कार्य या कार्यालय से संबंधित मामलों के लिए लिखे जाते हैं। ये पत्र किसी एक सरकारी अधिकारी द्वारा किसी अन्य सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी को अथवा सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्यों तथा मामलों हेतु व्यावसायिक संगठन, संस्थाओं, फर्मों या जनसाधारण को लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण, परीक्षा के संबंध में सरगुजा विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी महाविद्यालय से जो पत्र व्यवहार किया जाएगा वह सरकारी पत्राचार के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार आयकर विभाग द्वारा किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी करदाता से जो भी पत्र व्यवहार किया जाएगा वह सरकारी पत्राचार के अंतर्गत आएगा। सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य केंद्रीय और राज्य सरकार के किसी भी मंत्रालय अथवा प्रशासनिक सेवाओं से संबद्ध व्यक्ति अथवा स्थानीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों से है। डॉक्टर हरदेव वाहरी जी ने भी सरकारी पत्राचार के बारे में कहा है कि वह पत्र जो सरकार के किसी कार्यालय से किसी अन्य सरकारी कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार की ही नीति या समस्या, उसके किसी निर्णय या विषय का उल्लेख हो, यह पत्र नितांत औपचारिक होता है। छोटे या बड़े अधिकारी या पदधारी में कोई अंतर नहीं होता। सब बड़े हैं, सब श्री जी हैं, आदरणीय हैं। इसका शरीर निश्चित सांचे में ढला होता है। कुछ के तो मुद्रित फॉर्म पहले से तैयार होते हैं, उसे सिर्फ भरना होता है, पर रूप सबका एक सा होता है। अतः सरकारी पत्र के लिए आवश्यक है कि वे सरकारी अधिकारी द्वारा लिखे जाएं, उनके लेखन का उद्देश्य सरकारी कामकाज हो। प्राप्तकर्ता कोई भी सरकारी कर्मचारी, कार्यालय, व्यक्ति, व्यावसायिक संगठन, संस्था या फर्म हो सकती है। तो दूसरा क्या था, सरकारी पत्र। यहाँ पे अभी आप सरकारी पत्र के बारे में जाने। अब आगे मैं आपको तीसरा व्यावसायिक पत्र के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा प्रकार क्या है, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र माल मंगाने, भेजने, बिल के भुगतान, माल खराब होने पर शिकायत तथा माल न पहुँचने पर क्रय आदेश निरस्त करने के संबंध में लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्रों का संबंध किसी संस्था, व्यक्ति, एजेंसी अथवा ग्राहक से हो सकता है। यातायात या संचार के साधनों के निरंतर विकास से व्यवसाय तथा व्यापार का क्षेत्र विकसित हुआ है। अब तो इंटरनेट पर ऑनलाइन भी व्यवसायिक तथा व्यापार का क्षेत्र विकसित हुआ है। पत्र व्यवहार से व्यवसाय के संबंध में व्यक्तिगत भेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा समय की भी बचत होती है। व्यावसायिक पत्र पूछताछ से संबंधित भी होते हैं, जिनमें पत्र लेखक जिज्ञासा का समाधान चाहता है, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। साथ ही व्यावसायिक पत्र आदेश परक भी हो सकते हैं। व्यावसायिक पत्रों का आर्थिक जीवन में सफलता असफलता से गहरा संबंध होता है। तो ये रहा व्यावसायिक पत्र के बारे में जानकारी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यावसायिक पत्र 6 प्रकार के होते हैं। व्यावसायिक पत्र कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे व्यावसायिक पत्र को कितने प्रकार बताया गया, 6 प्रकार। पहला है बिक्री के पत्र, दूसरा साधारण तथा नित्य प्रति के क्रम में लिखे जाने वाले पत्र, तीसरा हिसाब किताब के पत्र, चौथा विज्ञापन संबंधी पत्र, पाँचवा कर्मचारियों से संबंधित पत्र, छठवां व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक स्तर पर माल मंगाने से संबंधित पत्र। तो ये रहा आप लोगों के समक्ष थोड़े सा पत्राचार के बारे में जानकारी, पत्र के प्रकार के बारे में जानकारी। आज के लिए बस इतना ही।